नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लखनऊ में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात, कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी को धीरेन्द्र दास को मारी गई गोली। 50 वर्षीय धीरेन्द्र दास को अज्ञात लोगों ने मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। कबीर मठ में शादी की बुकिंग कराने आए लोगों ने मारी गोली। 2015 में भी बारात घर के इसी प्रशासनिक अधिकारी पर चली थी गोली। जांच में अंदरूनी मामला निकला कर आया था सामने। इस बार भी अंदरूनी मामला होने की बात भी प्रकाश में आ रही है। हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज में है कबीर मठ। रिपोर्टर अनुराग कश्यप। सर, ये कबीर मठ में गोली मारने की सूचना क्या है, पूरा मामला? जैसे कबीर मठ में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बुकिंग वगैरह इत्यादि करते हैं, श्री धीरेन्द्र दास जी, तो कुछ लोग बुकिंग कराने के लिए आए थे, दो तीन लोग। तो उसी में लगभग 15-20 मिनट बातचीत हुई, इसमें फिर कोई संभवतः कोई विवाद हो, जिसमें उनको गोली लगने की बात आई है, और फिर इन लोगों के द्वारा ट्रामा सेंटर में एडमिट करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्योंकि यहाँ पे पहले भी 2015 में भी यहाँ पे कुछ विवाद रहा है स्वामित्व इत्यादि को लेकर, तो हर दृष्टिकोण से जांच की जा रही है। बहुत जल्दी ही शीघ्र आवश्यक दिखाई। कितने बजे की सर घटना है ये? ये घटना 9:15 के आसपास की घटना। अच्छा, जो उनकी गोली लगी है तो अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है ट्रामा सेंटर में, और आवश्यक दिखाई की जा रही है। जो गोली मारने वाले लोग हैं सर, उनके बारे में भी कुछ जानकारी? पूरी जांच की जा रही है, जांच करके जो चीज़ सामने आएगी वो सामने रखी। कितने लोग थे सर ये? 2-3 लोग।